नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। यूक्रेन में फंसे भारतीय, कानपुर की आकांक्षा बोली भूखे मरने की नौबत, दूतावास से नहीं मिल रही मदद। चकेरी के सुभाष रोड लाल बंगला निवासी आकांक्षा शुक्ला ने परिजनों को फोन पर बताया कि अब युद्ध में यूक्रेन में भूखे मरने की नौबत है, वहीं भारतीय दूतावास से मदद नहीं मिल रही है। आकांक्षा के पिता एनके शुक्ला ने बताया कि उनकी बेटी 4 साल पहले MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई थी, वे यूक्रेन में ही फंसी हुई हैं। उन्होंने बेटी की वापसी के लिए सरकार से गुहार लगाई है। वे लोग बेटी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। उनकी माँ शशि शुक्ला व भाई अभिषेक बहुत डरे हुए हैं। परिजनों ने बताया कि आकांक्षा जुलाई को कानपुर आई थी, इसके बाद 25 फरवरी की फिर वापसी की फ्लाइट थी, लेकिन अब युद्ध के कारण आना कैंसिल हो गया। परिजनों के अनुसार खाते में पैसे होने के बाद भी ATM से यूक्रेन में रकम नहीं निकल पा रही है, वहां भूखे मरने की नौबत है। भारतीय दूतावास ने भी कोई मदद नहीं की। परिजनों के अनुसार बेटी आकांक्षा ने बताया दिन भर हेलीकॉप्टर की आवाज़ और धड़ाम धड़ाम की आवाज़ सुनाई देती रही। कहा कि वे लोग लगातार बेटी से बात कर रहे हैं। कानपुर से संवाददाता सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट। सुबह 8 बजे पहुंच गए थे, 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक बाहर ठंड में खड़े थे हम। अच्छा। हमें अंदर बैठने तक नहीं दिया गया। अच्छा। उसके बाद हमको एक स्कूल के ग्राउंड में ले जाया गया। हाँ। कि एम्बेसी के सामने तुम लोग वो मत करो, क्राउड मत करो। हाँ। ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद वहाँ भी ग्राउंड में ठंड में खड़ा रहा। अच्छा। ये कोई लिस्ट बनाई कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन है, और वहाँ पे भी हम ठंड में खड़े थे तब तक। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें स्कूल में तुमको रखने की कोई परमिशन नहीं मिली है। अच्छा। तो हमें स्कूल में भी नहीं रखा गया, हमें वहाँ से निकाल दिया गया। अच्छा। फिर हमको बाहर लाके बोला गया कि हम तुम्हारी व्यवस्था करने के लिए अभी हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है। अच्छा। तो हम तुमको मैच टू मैच मेरा नाम नीलम कुमार शुक्ला है, मैं कानपुर का रहने वाला हूं और मेरी बेटी यूक्रेन में पढ़ रही है। तो अभी वहां बेटी से आपकी बात हुई तो क्या हालात है, क्या हालात वहां पर हालात बहुत ही नाजुक हैं, और इस समय एम्बेसी भी उनको डरते हैं, शेल्टर देने के लिए तैयार नहीं है। एम्बेसी ने सीधा सीधा बोल दिया है कि आप जाने, आपका काम जाने, आप यहां से जाइए। होटल बोल रहे हैं, आप कहीं पर भी होटल किसी भी प्रकार का लीजिए, अपने एक्सपेंस पर करिए। एक होटल प्रोवाइड किया है जिसमें 1500 ग्रेवन का एक रूम मिल रहा है एक दिन का। इंडियन रुपीस में कितना हुआ? इंडियन रुपीस में 45,000 में। तो अभी जैसे बेटी से आपकी बात हुई तो क्या उन्होंने बताया क्या हालात है और कितनी क्या मुश्किलें जो आ रही है अभी उनको फेस? वहाँ पे बस फॉरनर्स को ही ज्यादा मुश्किल है, बाकी लोकल लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो ATM और सुपरमार्केट, ATM सुपरमार्केट के सामने बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो बच्चे बेचारे लाइन में लगे हुए हैं। जैसे इंडियन एम्बेसी का भी क्या रोल है अभी? जैसे इंडियन एम्बेसी ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया बच्चों को, बच्चे सुबह से लेके बाहर वहाँ खड़े रहे, सुबह पहुँच गए थे तब से बाहर खड़े हुए ठंड में, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है इस समय, और एम्बेसी ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद एम्बेसी ने बोला कि एक स्कूल में ले गए, वहाँ पे बोला कि यहाँ पे शेल्टर मिलेगा, वहाँ भी खड़े रखा नाम वाम लिख के, फिर वहाँ भी उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, बोले कि जो है यहाँ पे हमको आपको रखने के लिए कोई भी परमिशन नहीं है, और हम एक होटल बता रहे हैं वहाँ आप जाके सब लोग रुकिए, अपनी टैक्सी करिए और जाइए। वहाँ पे 1500 ग्रेविन का एक रूम मिल रहा है जो कि लमसम 7000 के आसपास पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में। तो क्या आज बेटी की टिकट थी जो कैंसिल हो गई? आज बेटी की टिकट फ्लाइट 4 बजे की थी, लेकिन वो जब तक स्टेशन की पहुँची है तो उसके बाद में कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया कि उसकी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। अच्छा।